कभी कभी कथानक और फिल्में जितनी दिलचस्प नहीं होती जितने कि कलाकारों की असली जीवन की कहानियां होती है। आज के युग की जो कहानियां हैं, उन्हें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आज से 60-70 साल पहले भी कुछ इसी प्रकार का नजारा होगा। पहले के फिल्मों में एक विलन, एक हीरो और एक हीरोइन के अलावा भी एक किरदार अक्सर दिखाई देता था। उस किरदार को विशिष्ट हिंदी नाम तो नहीं है, पर अंग्रेजी में उसे वैम गर्ल बुलाते थे। ये वैम गर्ल या तो विलन की गर्लफ्रेंड होती थी या फिर गुंडों के फौज का मनोरंजन करने वाली लड़की। पर इस किरदार को कम मत समझना, कुछ कुछ फिल्मों में तो ऐसी वैम गर्ल का किरदार बड़ा अहम रहता था। तो चलिए, मैं अनामिका ऐसी ही एक अभिनेत्री की कहानी लेकर आई हूँ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम जिस हसीन और खूबसूरत अभिनेत्री पर चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है फरियाल। आज की कहानी बड़ी रोचक है, इसीलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। नहीं भैया, वो ऐसे नहीं है। रीना ने उन्हें गलत रास्ते पे डाल दिया है। एयरपोर्ट के आदमी को अगर तुम बच्चा समझती हो। भैया, मैं उन्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ, ज्यादा समझती हूँ। धोखा खाकर भी तुम अभी तक नादान बनी हो। धोखा मैंने नहीं खाया, धोखा उन्हें दिया जा रहा है। एक आवारा लड़की को घर बसाने का शौक कैसे हो गया? भैया, आप उन्हें क्यों नहीं जाके समझाते? वो आपकी बात कभी नहीं जानेंगे, कभी नहीं। शरीर के छोड़ो ना भैया, आ जाएंगे। तेरे भैया इतने बेवकूफ थोड़े ही हैं। वो जानते हैं कि हम बहुत दिनों बाद मिले और फिर हम बातें तो कर रहे हैं। जाते हो, मुझे तुम्हारी लिए कितनी बातें सुननी पड़ी। क्या? मैंने तय ही कर लिया था कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर जब मैं सामने आ गया था तो तुम्हारी सूरत देखकर मुझे तरस आ गए। अच्छा लो, चाय पी लो, फिर मैं और भैया पुलिस स्टेशन जाएंगे। फरियाल उर्फ फरियाल मनमोहन के नजदीकी लोगों के बारे में आज कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि उनके पिताजी भारतीय मूल के थे, वहीं उनकी माँ सीरिया की निवासी थी। 3 नवंबर 1945 में सीरिया के दमाका शहर में उनका जन्म हुआ था, पर उनका पालन पोषण भारत के पारंपरिक पद्धति से हुआ। शिमला के कॉन्वेंट स्कूल से प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद वो मुंबई आए। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उस दौर में फरियाल अभिनेत्री सायरा बानो जैसी दिखती थी। नैसर्गिक खूबसूरती से पूर्ण इस लड़की ने एयर होस्टेस बनने का फैसला किया। बतौर एयर होस्टेस वो ज्यादा समय टिक नहीं पाई और तुरंत ही उन्होंने अभिनेत्री बनने का फैसला किया। पर उनके घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उन्हें इस फील्ड में मदद करे, इसीलिए फरियाल ने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया। अभिनय के प्रति उनका झुकाव सफल हुआ और कम अवधि में वो फिल्मों में झलकने लगी। जैसे कि कहा जाता है कि परिस्थितियों के आफत में इंसान का भविष्य भी उजाड़ हो जाता है, वैसे ही कुछ फरियाल के साथ हुआ। उनकी काया और डायलॉग डिलीवरी का अंदाज इस हद तक आकर्षक था कि सभी फिल्मकार उन्हें वैम गर्ल का किरदार ऑफर करने लगे। कैबरे डांस और वैम गर्ल जैसी चीज़ों से वो हमेशा नफरत किया करती थी, पर इन चीज़ों के अलावा उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। इसीलिए फरियाल ने हमेशा मिले हुए किरदार निभाए, चाहे वो किरदार कोई भी हो। और साथ ही उन्होंने मॉडलिंग जगत में सक्रिय रहना भी उचित समझा। फिल्म स्कूल से निकलने के बाद उन्हें पहली फिल्म बिरादरी मिली। 1966 की ये फिल्म फ्लॉप रही, पर अभिनेता शशि कपूर का साथ उन्हें मिला। बिरादरी फिल्म फरियाल की बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म थी, पर 1965 की फिल्म जिंदगी और मौत सबसे पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मशहूर खलनायक और अभिनेता निसार अहमद ने डायरेक्ट किया था, जो उस साल की हिट फिल्म थी। अभिनेता प्रदीप कुमार के साथ फरियाल का गीत दिल लगाकर हम ये समझे काफी प्रचारित रहा। जिंदगी और मौत के सफलता के बाद फरियाल को काफी ऑफर्स आने लगे। 2 फिल्म के बाद उनकी जो तीसरी फिल्म थी वो उनके जीवन की निर्णायक फिल्म साबित हुई। 1967 की ज्वेल थी फिल्म तो हिट रही, पर फरियाल के फिल्मी सफर में नया मोड़ भी आया। इस फिल्म का एक कैबरे डांस इतना मशहूर हुआ कि सभी फिल्मकार ने उन्हें डांसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। 1970 की सच्चा झूठा, 1973 की लोफर,
शम्मी कपूर डायरेक्टेड फिल्म मनोरंजन 1975 की रफू चक्कर, फरियाल के छोटे बड़े किरदार के साथ ये फिल्में काफ़ी प्रचलित रही और 60 से लेकर 70 के दशक तक वो हमेशा कैबरे और वैम गर्ल के रूप में लगातार चर्चित रहीं। कुछ मैगजीन ने उनके नाम के बाद फिल्म जगत की सेक्स सिंबल ये नाम भी जोड़ लिया था। छोटे कपड़े पहनकर टाइपकास्ट की भूमिका अदा करना यही उनका जीवन था। एक इंटरव्यू के दौरान फरियाल बताती हैं कि वो कैबरे डांस से नफरत करती हैं। असल में उन्होंने डांस का प्रशिक्षण लिया ही नहीं था, उनसे ज़बरदस्ती ये किरदार करवाए जाते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने मन की बात बेफिक्र तरीके से लोगों के सामने रखी थी। फरियाल की खूबसूरती का आलम इस हद तक था कि एक फिल्म के दौरान एक प्रसिद्ध हीरोइन ने फरियाल से कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो, इसीलिए कॉस्ट्यूम चेंज करो। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म हीरा के शूटिंग के दौरान अन्य एक्ट्रेसेस ने डायरेक्टर से बात करके अच्छे गाने खुद पर फिल्माने को कहा था। फरियाल के जीवन से जुड़ी कहानियां बहुत हैं। उन्हें हमेशा इस बात का दुख था कि उन्हें टाइपकास्ट का जीवन जीना पड़ा। एक इंटरव्यू में फरियाल ने अपने जीवन की तुलना अभिनेत्री बिंदु के साथ की। फरियाल बताती हैं कि बिंदु इतनी खूबसूरत अभिनेत्री होते हुए भी उन्हें कभी बतौर अभिनेत्री का किरदार मिला ही नहीं। एक इंटरव्यू में वो आगे बताती हैं कि क्या खूबसूरत लड़की अच्छी अभिनेत्री नहीं बन सकती। फरियाल के कठिन परिस्थिति का अंत साल 1984 में हुआ, पर उन्हें अपने फिल्मी जीवन को भी पूर्ण विराम देना पड़ा। जितेंद्र की फिल्म द गोल्ड मेडल में एक सीन के दौरान फरियाल को एहसास होने लगा कि अभिनेता प्रेम नाथ उन्हें छेड़ रहे हैं। दरअसल शॉट इस प्रकार था जहां प्रेम नाथ फरियाल के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, पर एक इंटरव्यू के दौरान फरियाल का कहना था कि प्रेम नाथ ने उनके साथ जबरदस्ती की और जितेंद्र समेत अन्य कलाकार कैमरा के पीछे रहकर हंस रहे थे। इस घटना का असर ये हुआ कि उन्होंने फिल्म जगत से रिश्ता तोड़ दिया। कुछ पत्रकारों ने फरियाल से पूछा कि प्रेम नाथ इतने बड़े इंसान हैं, अपने जमाने के सुपरस्टार थे, वो ऐसा क्यों करेंगे। ये भी हो सकता है कि सीन को सच्चाई का रूप देने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। इसका जवाब देते हुए फरियाल ने शत्रुघ्न सिन्हा की एक फिल्म का उदाहरण दिया। इसी प्रकार का सीन फिल्माते वक्त शत्रु साहब ने अपने दायरे का ध्यान रखा था, जो प्रेम नाथ ने नहीं किया। 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री फरियाल आज 76 साल की हो चुकी हैं। कहा जाता है कि फिल्मी सफर के दौरान उन्हें किसी से प्यार हुआ था और उससे ही उन्होंने शादी भी की थी। आज फरियाल भारतीय फिल्म जगत से दूर इजराइल में रहती हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।